अप्रैल फूल हम लोग बड़े फखर से मनाते हैं और लोगों को उल्लू बना रहे होते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी अच्छी हैप्पी न्यूज़ देते हैं और बाद में बेचारों के साथ बड़ा ज्यादती करते हैं। हम लोग त्यौहार मनाते हैं, हमें पता होता नहीं कि त्यौहार मनाने किस लिए। ये हजारों साल पुरानी बातें हैं। सन 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया था, तारिक बिन ज़ियाद ने मोराको के रास्ते से स्पेन और पुर्तगाल फतह किए थे। और ये जो बंदरगाह है पुर्तगाल और स्पेन के साउथ में, जिसको जिब्राल्टर जबरुल तारिक कहते हैं, तारिक बिन ज़ियाद के नाम पर रखी गई, ठीक है, यहाँ मोराको के करीब आके एशिया और यूरोप का पावर हिस्सा बहुत कम हो जाता है, बहुत कम डिस्टेंस। 850 साल हमारे मुसलमान भाइयों ने हुकूमत रखी थी। क्यों शिकस्त हुई? क्योंकि हमारा बाकी मुस्लिम वर्ल्ड से ज़मीनी रास्ता नहीं था। अगर यहाँ पत्थर मारते रहते रोज़ाना तो शायद ये रास्ता भी बन जाता। खैर वो एक अलग बात है। एक वक्त था पूरे पुर्तगाल और स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थी, जब कुर्तुबा मुसलमानों का मरकज था, लेकिन फिर टूट फूट हुई और बेशुमार बार मुसलमानों की सल्तनतें कम हुई बड़ी। यूसुफ बिन ताशीन ने दोबारा पुर्तगाल स्पेन पर कब्जा करवा लिया था। आखिर में बिल्कुल साउदर्न एरिया में मुसलमानों की हुकूमत रह गई थी। कुर्तुबा समेत 70% स्पेन हमसे छिन गया था, लेकिन एक बड़ा मजबूत मरकज था जिसको कर्नाटक कहते हैं। कर्नाटक के किंग अबू हुसैन स्पेन और पुर्तगाल दोनों से जंग लड़ लेते थे। अच्छी बात यह थी कि स्पेन पुर्तगाल की भी आपस में दुश्मनी थी। लेकिन क्या हुआ कि स्पेन और पुर्तगाल के जो बादशाह और मलका थे, अजाबेला और फर्नांडिस, अजाबेला का हस्बैंड मर गया, फर्नांडो की बीवी मर गई, दोनों ने आपस में शादी कर ली, मुसलमानों की बर्बादी हो गई, दोनों एक सल्तनत बनकर मुसलमानों पर अटैक कर दिया। फिर भी मुसलमान जीत जाते, मगर मुसलमानों का किंग जो अबू हुसैन बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था, उसके अपने बेटे अब्दुल्ला ने अपने बाप के खिलाफ गद्दारी की। और जब उसका बाप पुर्तगाल और स्पेन के मुश्तरका लश्कर से लड़ रहा था, तो उसने अपनी फौज के साथ अपने बाप की फौज में हमला कर दिया, जिससे उसके बाप अबू हुसैन को शिकस्त हुई और वो जंग में शहीद हो गया। लेकिन पुर्तगाल और स्पेन के हुक्मरानों ने धोखा दिया और सारे मुसलमानों के इलाकों पर कब्जा कर लिया और अब्दुल्ला को भी जेल में डाल दिया। बाद में अब्दुल्ला को और मुसलमानों से वादा किया कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुम्हें बहरी जहाज में हम मोराको पहुंचा देंगे। और मुसलमान जो मुख्तलिफ जगहों पर छुप गए थे पहाड़ियों में, या उन्होंने ईसाई नाम इख्तियार कर लिए थे, सबको ऐलान किया कि सब जगह हो जाओ, हम तुम्हें मोराको पहुँचा देंगे। और हजारों की तादाद में मुसलमान 1 अप्रैल वाले दिन बहरी जहाज में भेजे, जिन्हें मोराको पहुंचाने का वादा किया गया था, लेकिन दुनिया से ही निकाल दिया गया। उसके बाद बेशुमार सालों तक पुर्तगाल और स्पेन में मुसलमान रहे भी तो अपने आप को क्रिश्चियन जाहिर करके। हाँ, अल्लामा इकबाल ने बहुत अरसे बाद कुर्तुबा की मस्जिद में दोबारा अजान दिलवाई थी। और अब दोबारा जो कुछ मुसलमान जो वहाँ रह रहे थे खुफिया तौर से, और सैकड़ों सालों तक उन्होंने इस्लाम बरकरार भी रखा, अब चूंकि सिचुएशन चेंज हो गई है, बहुत अरसे तक स्पेन में मुसलमानों की आमद पर पाबंदी थी, अब ज़ाहिर एम्बेसीज भी खुल गई हैं, तो कुछ मुसलमान अब यहाँ रहते हैं। जिब्राल्टर पे अभी ब्रिटेन का कब्जा है। और आपको बताता चलूँ कि मोराको के दो जनूबी हिस्से ऐसे हैं जिन पे स्पेन की हुकूमत है, यानी कि देखें ये स्पेन का पार्ट है, अफ्रीका में तो देखा जाए कि स्पेन तो यूरोप का पार्ट है, तो ये ऐसे बॉर्डर हैं दो छोटे से शहर मोराको के, जो कि अफ्रीका में होते हुए भी स्पेन का पार्ट है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि यूरोप का पार्ट है। तो 1 अप्रैल का ये बैकग्राउंड है। और मेरे भाई बनाने से गुरेज किया करें, बल्कि 1 अप्रैल वाले दिन जो हमारे भाइयों के साथ हुआ था, हम किसी और के साथ ऐसा ना करें, इंसानों के काम आ जाए, करें एक नया तरीका बनाए 1 अप्रैल मनाने का। थैंक्स अल्लाह।